गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ आज हम आपको लेसन चार मैथ्स में दीघात समीकरण के बारे में बताते हैं तो दीघात समीकरण का मतलब होता है दो घात वाला समीकरण अब जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर समीकरण को हम अब तक लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है ना समीकरण में ए वन ए एक्स प्लस बी एस सी होता है लेकिन दीघा समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये समीकरण होता है जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो दीघा समीकरण का मानक रूप है तो इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आपको कुछ समीकरण दिए होंगे उनको हल करके बताना होगा कि ये जो है दीघा समीकरण है या नहीं तो इसी पे बेस आपका एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन में आपको कुल आठ पार्ट दिए हुए हैं तो इसमें हम दो पार्ट आपको बता देंगे जाँच कीजिए कि क्या ये दीघा समीकरण है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अगर x की पावर टू आती है तो ये दीघा समीकरण होगा वरना नहीं होगा तो इसको भी हम आपको हल करके बताते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टू एक्स माइनस थ्री है तो दिया गया समीकरण आपका ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम खोल लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर टू एक्स प्लस ये इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और इधर से ले आएंगे तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये 2x, ये कट जाएगा तो समीकरण क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बराबर जीरो क्योंकि एक्स की घात दो है अतः दिया गया समीकरण दीघात समीकरण है इसी का दूसरा पार्ट में आपका समीकरण ये दिया हुआ है एक्स माइनस दो ब्रैकेट में एक्स प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में बराबर एक्स माइनस वन पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो है इसको इससे गुणा करना होगा और इसको इससे गुणा करना होगा तो पहले हमने x से एक्स प्लस वन को गुणा किया और माइनस टू से एक्स प्लस वन को गुणा किया इसी तरह x से एक्स प्लस थ्री को गुणा किया और माइनस वन से एक्स प्लस थ्री को गुणा किया तो x से x को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा x से वन को गुणा करेंगे तो x आएगा x माइनस टू से एक्स को गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा माइनस टू से प्लस वन को गुणा करेंगे तो माइनस टू आएगा यहाँ एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स को तीन से करेंगे तो प्लस तीन एक्स आएगा माइनस वन से एक्स को गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आएगा माइनस वन से प्लस तीन को गुणा करेंगे तो माइनस तीन आएगा अब देखिए क्या बचा हमारे पास ये इसको जोड़ लेंगे ये माइनस टू एक्स है ये प्लस एक्स है तो माइनस एक्स बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर एक्स स्क्वायर इसको भी देख लेंगे तीन में से एक घटाएंगे तो दो आएगा चिन्ह प्लस लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री अब हम इस इधर के सारे पदों को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपोजिट और आ, अपोजिट साइन वाले हैं इक्वल है तो इनको काट देंगे हमारे पास क्या बचा माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो क्योंकि एक्स की घात दो नहीं है अतः उपयुक्त समीकरण दीघात समीकरण नहीं है तो बच्चों ये जो दो पार्ट बताए हैं इसी के आधार पे आपके सारे क्वेश्चन हैं 4.1 में इसको हल कर लीजिएगा जिसमें एक्स की घात दो नहीं है वो द्विघात समीकरण नहीं है और जिसको हल करने के बाद एक्स की घात दो आती है वो द्विघात समीकरण होती